अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एम ग्लैंड प्रोडक्शन साथ एक बार फिर से आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक से होंगे और इन्जॉय करेंगे। दोस्तों, हमारा जो आज का लेसन था वो था फेसबुक पे हमने पेज क्रिएट करना था और उसके अलावा हमने उस पर कंपेन वगैरह चलाने का तरीका भी सीखना था। लेकिन अचानक ही आज कुछ मुझे भी याद आ गया और एक दोस्त था, उसने भी मैसेज किया हुआ था कि सर हमने डिजी स्किल पे जो कोर्स स्टार्ट किया था, मैं उसकी ना तो कोई असाइनमेंट जमा करवा सका हूँ और ना ही उसका कोई मैंने क्विज वगैरह अटेंड किए, ना उसके लेक्चर्स लिए हैं, तो मैं क्या करूँ कि मुझे उसकी समझ मिल जाए। तो मैंने उसका सोल्यूशन आज निकाला है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। जो लोग पहले डिजी स्किल की तरफ से कोर्स कर रहे हैं, डिजी स्किल क्या है, उसके क्या हिसाब किताब होते हैं, उसका पहले हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी दे दूंगा। तो आप लोगों ने उसको देख लेना है, आपको उसके एक तो इम्पोर्टेंस का पता चल जाएगा कि उसके फ़ायदा क्या है और उसके अलावा इंशाल्लाह आज आपको मैं वो चीज़ क्लियर करवा देता हूँ कि आपने वो चीज़ कैसे करनी है। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और जो लोग नए हैं, हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट होती है उनसे कि हमारे इस चैनल एम ग्लानी प्रोडक्शंस को और दूसरा चैनल है रावी स्कूल सिस्टम आयदा ग्लानी कैंपस, इस दोनों को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचें। तो चलते हैं जी हमारे आज के लेक्चर की तरफ। ये देखें जी, यहाँ से हमने डिजी स्किल्स को ओपन करना है और डिजी स्किल को ओपन करने के बाद आपने करना है जी लॉग इन। जैसे लॉग इन करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने आपके जो कोर्सेज हैं वो शो हो रहे हैं कि आप कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल कर चुके हैं और कौन से कोर्सेज आपके जा रहे हैं। यहाँ पे आपकी आ जाती है ये प्रोग्रेस टाइमलाइन। प्रोग्रेस टाइमलाइन पे आपको वो शो कर रहा है कि आपने क्या नूरनामा किया हुआ है और क्या आपका रह गया है। तो ये देखें जी, ये मेरा अपना कोर्स है, मैं काफ़ी बिजी रहा हूँ इस महीने, मतलब इन पिछले दौर में, तो इस वजह से मैं अपने जो लेक्चर्स हैं वो भी बाकायदा से नहीं ले पाया और आप लोगों के साथ मेरा ये था कि मैंने आपको असाइनमेंट वगैरह बना के दिखानी थी, तो इस बार की तो माजरत है। लेकिन इंशाल्लाह जो अगले मेरे लेक्चर्स होंगे ना, जो अभी मैंने नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करना है, उससे मैं तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जी, ये हमारे पास आ जाता है ओवरऑल प्रोग्रेस है जी डिजिटल लिटरेसी की, ये भी 20% से पीछे खड़ी हुई है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ना तो मैंने इसके कोई वीडियोस अटेंड किए हैं, ना मैंने मतलब दो चार वीडियोस ही देखी हैं, ज़्यादातर तो नहीं देखी, कुछ वीडियोस इसके अटेंड किए हैं, कुछ इसके मैंने क्विज़ वगैरह अटेंड किए थे। तो आज मैंने आपको बताना है कि आपने क्या करना है, कैसे अपनी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई करना है। तो आप यहाँ से जाएँगे जी वीक वन में जाने के बाद आपने यहाँ से अपना जो लेक्चर्स रहते हैं आपके पिछले, आप इनको करना है जी प्ले। अटेंडेंस बंद करें आवाज़। अच्छा, इसका क्या करना है, आपने अटेंडेंस 100% कम्प्लीट कर लेनी है। जैसे ही आपकी अटेंडेंस कैसे होती है, इसकी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ लेकिन आपको दोबारा से बताता चलूँ कि ये जैसे वीडियो अभी प्ले हो रही है, ये हमारे पास एक लेक्चर चल रहा है, जब ये 30 सेकंड का हो जाता है तो आपकी अटेंडेंस काउंट हो जाती है। 30 सेकंड वीडियो देखने के बाद आपकी जो अटेंडेंस है वो काउंट हो जाती है। उससे क्या होता है कि आपकी जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। सर्टिफिकेट हासिल करने का जो क्राइटेरिया है वो है कि मिनिमम आपको मेरे ख्याल में 60% या 50% मार्क्स चाहिए होते हैं क्राइटेरिया कंप्लीट करने। तो उससे आपकी क्या हो जाएगी, आपको सनद इशू हो जाएगी। तो आप अगर सिर्फ ये वीडियोस ही देख लेते हैं, सारी की सारी अटेंडेंस कम्प्लीट कर लेते हैं, इन वीडियोज़ को देखते जाएँ, डाउनलोड करके अपने पास सेव करते जाएँ, बाद में जब फ्री हो जाएँ उनको देख लें। मैंने भी यही किया हुआ है इंशाल्लाह प्लान के, मैं अभी थोड़ा सा फ्री हो रहा हूँ, उसके बाद मैंने ये वीडियोस आज मैं डाउनलोड करके रख लूँगा। जैसे जैसे मेरे पास टाइम आता जाएगा, मैं शाम को बैठ के, रात को बैठ के, एक दो तीन घंटे जो भी मेरे पास टाइम शेड्यूल होता है, मैं उसमें ये सारी की सारी वीडियोस देख के ये सारा काम सीख सकता हूँ। कोई टफ काम नहीं होता, बड़ी डिटेल के साथ समझाते हैं, बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर इन्होंने हायर किए होते हैं और हाईली क्वालिफाइड भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने क्या करना है कि फ़िलहाल यही काम है आपके ज़िम्मे कि आपने इसकी अटेंडेंस कम्प्लीट करनी है। अटेंडेंस ये देखें जी, मैंने अभी दो या तीन वीडियोस रन किए हैं, तो ये देखिए इसका 20% से अबव हो गया है जो क्राइटेरिया था इसका और डिजिटल लिटरेसी का। अभी इसी तरह ऑटो गाइड की मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो भी मैं इसी तरह देख देख के सारी की सारी कंप्लीट कर लूँगा और अपना जो क्राइटेरिया वो कम्प्लीट कर लूँगा ताकि मुझे मेरी सनद मिल जाए इन टाइम। जैसे मेरी सनद मिल जाएगी, सनद आपको भी पता है सनद की क्या वैल्यू होती है, और ये कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मैं पहले भी इन पर बताया कि वीडियोस बना चुका हूँ, आप इसकी जो प्लेलिस्ट है इसको ओपन करें, प्लेलिस्ट में सारी की सारी डिटेल्स वीडियो पड़ी हुई हैं कि आपने कैसे इनरोल करना है, कैसे आपने करना है।
उसके अलावा ये आपके पड़े हैं क्विज पड़े हुए हैं, क्विज आप अटेंड कर सकते हैं अभी। इसमें कोई इतनी ख़ास मुश्किल तो नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं इनको बैठ के, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर के बारे में होनो है, अदरवाइज आप इनको अटेंड करें। जब ये अटेंड कर लेते हैं, क्विज वगैरह सारे आपने अटेंड कर लिए, उसके अलावा आपने जो अटेंडेंस है वो आपने अपनी कंप्लीट कर ली है, तो इंशाल्लाह मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको आपकी सनद मिल जाएगी। सनद पे फिलहाल फोकस करें, सनद ले लें, क्योंकि दो दिन रह गए, आज जुमा है, हफ्ता इतवार तक इन्होंने सारा कंटेंट बंद कर देना है। उसके बाद इनकी नई एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगी 1 जून से, 1 जून से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए ये कोर्सेज हैं, बड़े फ़ायदेमंद हैं, करें सीखें, क्योंकि इससे लोग लाखों के हिसाब से कमा रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोर्सेज होते हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी इनको करवा रहा है साथ में, ठीक है, डिजी स्किल्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इग्नाइट वगैरह, ये सारे इनको मिले हुए हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। सबसे मजे की बात है कि इसकी सनद वैलिड है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स हैं, आप ये करें और अपने आप को ज़िंदगी में स्ट्रैगल करें। तो मैं अभी जो ये चीज़ें चल रही हैं आप इनको देखें, इसको जो है ना अपने आज के दिन में आपने अपनी अटेंडेंस वगैरह कंप्लीट करनी है, अटेंडेंस कंप्लीट करने के बाद जो आपके क्विज आए हुए हैं उनको आप कंप्लीट करें। ये चीज़ें करने के बाद फिर मैं आपको अगला जो है ना वो सिखा देता हूँ कि आपने मतलब आपको चीज़ें बता देता हूँ कुछ और हैं कि नए कोर्सेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कौन कौन से इन्होंने नए कोर्सेज ऐड किए हैं, और वो वाकई बहुत एक्साइटेड है। इंशाल्लाह मैं इस साल इस कोर्स में अगेन एनरोल करूँगा और कोशिश मेरी यही होगी कि मैं उसमें जो गवर्नमेंट हमें एक फैसिलिटी दे रही है हम इसको फुल टाइम अवेल करें और लेके इसको आगे चलें। इससे क्या होगा, इससे एक तो हमें जो है ना वो मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, और दूसरा ये है कि हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाता है। दो चीज़ें आपने जहन में लेके चलनी है, एक तो आपने पाकिस्तान का नाम ख़राब नहीं करना है कभी भी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल नहीं होती, वो मार्केट प्लेसेस पे घुसे होते हैं, वहाँ पे जाके फिर लोगों से बेइज्जती करवा के पाकिस्तान का नाम ख़राब करवा के वहाँ से ब्लॉक होकर वापस आए। मेरे भाई मेरे बहन, ये काम नहीं करना, प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, काम वो करें जिस स्किल पर आपको अबूर हो जाता है। हाँ, अभी कुछ दोस्तों का ये भी मसला था कि सर हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम काम की प्रैक्टिस कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि लोग हमें हमारे काम को मतलब लेके आगे चलना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, हम कितने लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो उसका सबसे आसान और जो तरीका हमने निकाला हुआ है वो मैं अपने स्टूडेंट से भी बोलता हूँ, मैं खुद भी ये काम कभी कभी करता होता हूँ जो नई स्किल में सीखता हूँ उसके बारे में। मैं फेसबुक के कई ग्रुप्स ऐसे पड़े हैं, वहाँ पर जाकर ना फ्री सर्विसेज ऑफर करता होता हूँ कि मैं 20 बंदों को 50 बंदों को फ्री काम करके दूँगा, आप मुझे काम दें। तो वहाँ से जो काम मिलता है ना, हम उसके मुताबिक उस चीज़ को, अपनी जो स्किल है उसको भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और साथ साथ हमें क्या हो जाता है, हमारी स्किल में भी इजाफा हो जाता है और हमारा जो है ना काम वो भी बन रहा होता है। आप फ्री में ऑफर करें फिलहाल, ये चीज़ें आप सीखें। उसके अलावा ये भी जो है ना आज का दिन जो था उसमें मैंने आपको बताया कि आपने अपनी सनद के लिए क्वालिफाई कैसे करना है, अभी तक आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, बंद करें इसकी आवाज़ प्लीज़। ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इन्होंने डाउनलोड का मेथड भी आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसको आप डाउनलोड करके रखते जाएँ, जितने भी आपके पास लेक्चर्स बने हुए हैं आप अपने फ्री टाइम में जब आपका दिल करे तब बैठ के देखें, सारे के सारे एक साथ देख लें। मकसद सीख रहे हैं, ठीक है, टाइम पास नहीं करें, सीखें और सीख के इसको अप्लाई करें। मैंने यही चीज़ पहले भी बताई है कि आप ये सोच रहे होंगे हम अप्लाई कहाँ करें, तो मेरे भाई फेसबुक आपके पास पड़ी हुई है, वहाँ पे लोग ऐसे समझे तरसे हुए बैठे हैं कि कोई हमें फ्री ऑफर करें, आप वहाँ पे जाकर फ्री ऑफर्स दें फिलहाल। उससे क्या होगा कि फ्री ऑफर्स की वजह से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस के साथ साथ आपका दूसरा काम जो चलेगा वो है कि आपके पास ना आपका एक दुकान से जाने का एक आपको मौका मिल जाएगा कि आप शोकेस में वो चीज़ें लगा के रख सकते हैं, आप उनको दिखा सकते हैं लोगों को कि ये देखें ये मेरा प्रीवियस काम है, मैं ये काम ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी यहाँ पे फेसबुक का सॉरी डीजी स्किल का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे कुछ इन्होंने नए मतलब ऐलान किए हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि कब से नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये देखें जी, ये इन्होंने जो बैच 2 स्टार्ट हो रहा है इनका, ये जून 1 से स्टार्ट हो रहा है 2022 से,
तो आपने क्या करना है, इसमें इनरोल अभी से करके रख लें अपने आप को, और मतलब अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी से करवा लें। अगर आप न्यूबी हैं, आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तो इन कोर्सेज से आप फुल एंड फाइनल फ़ायदा उठाएं। उसका मेथड पहले वीडियोस में मैं दे चुका हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। और बाकी आप यही प्लेलिस्ट जो देख रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट देखें जिसमें डिजी स्किल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। और ये जो मज़े के कोर्सेज आए हैं ना, इसमें वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन और व्लॉगिंग है। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आपके लिए ये कोर्स सबसे बेस्ट है। आप ये कोर्स करें और अच्छे यूट्यूबर बन के अच्छा पैसा कमा सकते हैं आपको घर बैठे बिठाए। उसके अलावा दूसरी चीज़ आती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप भी बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, इससे भी लोगों ने लाखों के हिसाब से पैसे कमाए हैं, और इसके लिए भी आपको कई दर के धक्के दिखाने पड़ेंगे, आप घर बैठ के कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी नीचे कोर्सेज हैं, डेटा एनालिस्टिक के हैं, और इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट वगैरह के हैं, ये सारी की सारी जो हैं। इसके अलावा एक और कोर्स भी था, क्या नाम है उसका, वर्चुअल असिस्टेंट का था। ये सारे कोर्सेज मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इस वजह से उन्होंने नए ऐड किए हैं। तो आप इन कोर्सेज को शुरू से लेकर एंड तक देखें, और उसके अलावा इनमें इनरोल करें, और अपने इस भाई को दुआ में याद रखें। आज के लिए बस यही था, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तो इंशाल्लाह आज के लिए मैं माजरत कर रहा हूँ कि मैं आज फेसबुक का जो पेज है वो आपको क्रिएट करके आगे नहीं चला सकता आज के दिन के लिए, क्योंकि आज मुझे ये लेक्चर्स हमने कंप्लीट करने हैं, मैंने ये डाउनलोड करके रखे हैं। और इंशाल्लाह अज़्ज़ावजल कल या परसों जैसे ही मेरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर मैं फेसबुक वाला जो हमारा काम अधूरा रह गया वो मैं कंप्लीट करके आपको उससे अगला स्टेप भी सिखा दूँगा। तो अभी के लिए बस यही था, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेकी।